कांग्रेसियों ने सीएम शिवराज का फूका पुतला, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाने पर इसका दोष भाजपा सरकार पर लगाया है और इसे शिवराज की गलती माना है। कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मांग की है। आपको बता दें कि आज शिल्पी प्लाजा चौक के पास भाजपा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस नेता दीपक सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव कराने की मांग की है। इस मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम रीवा संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही इसके लिए भाजपा सरकार की नाकामी को दोषी मानते हुए भाजपा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस नेता का कहना है कि भाजपा राज्य सरकार मध्य प्रदेश द्वारा यथाउचित साक्ष्य व ट्रिपल टेस्ट में फेल होने के कारण ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगामी पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। उनका कहना है कि शिवराज सरकार की गलतियों का भुगतान मध्य प्रदेश की 55% आबादी पिछड़ा वर्ग समाज को वहन करना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के 55% लोग जो राजनीतिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, वो न्याय की गुहार लगाते हैं एवं 27% आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मांग करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वो पंचायत चुनाव को लेकर 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही स्थानीय चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने इसके लिए राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले 2 साल से स्थानीय निकायों के करीब 23,000 पद खाली पड़े हैं। हर 5 साल में चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और समय नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत है इस संबंध में इंजीनियर दीपक सिंह, कांग्रेस नेता से प्राप्त जानकारी के अंश। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 दिन पहले आया है कि पंचायती राज चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी का पूर्णतः तरीके से आरक्षण खत्म कर दिया गया है। शिवराज सरकार को 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था कि आपको आंकड़े प्रोवाइड करने हैं कि जो आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, उन पिछड़े वर्गों का सही आंकड़ा आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना था, पर पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य सरकार ये जुटाने में असमर्थ रही, जिसकी वजह से मजबूरन सर्वोच्च न्यायालय को यह निर्णय लेना पड़ा, जो कि बड़ा ही दुखदाई है। हम ओबीसी के लोग 55% इस मध्य प्रदेश के अंदर हैं और हम लोग यहां पर 27% आरक्षण की मांग के लिए यहां पे आए हैं और शिवराज सरकार की नाकामी को दिखाने के लिए आज हमने शिवराज सिंह चौहान और पूरी भाजपा सरकार के पुतला दहन किया है और इसके पहले हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम का ज्ञापन यहाँ के संभागीय कमिश्नर को प्रस्तुत किया है और राष्ट्रपति जी से हमारी मांग है कि हमें 55% हमारी संख्या के आधार पर हमें आरक्षण प्रोवाइड किया जाए। ये हमने 1 वीक का अल्टीमेटम कमिश्नर साहब को दिया है। आगे आने वाले टाइम में जिस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, यदि परिस्थितियाँ हमारे अनुरूप और अनुकूल नहीं होती हैं तो हम लोग बृहद घेराव और तालाबंदी करने का काम कमिश्नरी के अंदर करेंगे। मैं पिछड़ा वर्ग संगठन से बिलोंग करता हूं, युवा समाज सेवी इंजीनियर दीपक सिंह।